हिमाचल प्रदेश के क्रांतिकारी साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी यशपाल की जयंती पर मंडी में जिला स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से किया गया था। सम्मेलन में जिलाभर से आए करीब 35 कवियों एवं साहित्यकारों ने भाग लिया। कवि सम्मेलन में वेद प्रचारक एवं साहित्यकार आचार्य भगवान देव चैतन्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि हिमाचल प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष दीनू कश्यप ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। कवि सम्मेलन में क्रांतिकारी साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी यशपाल के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि यशपाल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से संबंध रखते थे और आज भी यहां पर उनका पुश्तैनी घर मौजूद है। यशपाल ने न सिर्फ अपनी कलम से क्रांतिकारी होने का परिचय दिया बल्कि स्वतंत्रता की जंग में भी अहम योगदान दिया। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश उनके योगदान को हमेशा याद रखता है। जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी रेवती सैनी ने बताया कि यशपाल के लेख आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि कवि सम्मेलन के दौरान मंडी जिला के वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण कुमार नूतन के व्यक्तित्व पर भी चर्चा की गई, क्योंकि हाल में ही में उनका जन्मदिन मनाया गया था। यशपाल जी ने जिस तरह देश को आजाद करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं उनकी लेखनी ने विविध रचनाओं से देश को प्रबुद्ध साहित्य दिया। उनकी रचनाओं में प्रसिद्ध झूठा सच, फूलों का कुर्ता, दिव्या, अमिता, दादा का कामरेड इत्यादि प्रमुख हैं। उनके रचनाओं के लिए उन्हें 1970 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। यशपाल जी ने अपना सारा जीवन देश को आजाद करवाने और अपने देश के साहित्य के बारे में अर्पित साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। इसी कड़ी में आज हमने जिला स्तरीय यशपाल जयंती समारोह पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। साथ ही यशपाल जी के ऊपर परिचर्चा की गई, उसके साथ ही हमने एक नया प्रयास किया है कि जो यहाँ के साहित्यकार हैं मंडी जिला के, उनके ऊपर भी हम कुछ परिचर्चा करें। तो आज मंडी जिला के साहित्यकार श्री कृष्ण कुमार नूतन जी का भी जन्म दिवस है, तो उनके साहित्य पर भी परिचर्चा की जा रही है। जिला भर के लगभग 30-35 साहित्यकार इसमें भाग लें।